नमस्ते दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग अगले प्लेट पर। इस प्लेट से भी हम लोग ये जानेंगे क्या आपको रेड कलर में डिफेक्ट है या नहीं। इस प्लेट को देखते हैं। जब आप इस प्लेट को देखेंगे तो दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक जानवर बना हुआ है, ये आपको दिखाई देना चाहिए, वो भी कम्प्लीटली। अगर ये आपको नहीं दिखाई देता है तो आपके रेड कलर में डिफेक्ट है, और अगर आपको दिखाई दे जाता है तो आपके रेड कलर में डिफेक्ट नहीं है। आइए चलिए देखते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए किया गया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, जो आकृति बनी है, वो भी रेड कलर के शेड में ही है, और बैकग्राउंड भी जो है वो भी रेड कलर के शेड में ही है। समझ लीजिए, एक स्क्वायर एरिया यहाँ पर आप समझ लीजिए, और ये रेड के शेड में है। ये थोड़ा डार्क रेड का शेड बना हुआ है और कॉम्बिनेशन है दूसरे कलर का भी, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे रेड का ही शेड यूज़ किया गया है। अब इसमें जो आकृति बनी है वो भी रेड के शेड में है। मैं चाहती हूँ कि 10 सेकेंड जैसा समय आप ले, अपने पेपर पे नोट डाउन करें कि आपको इस पेज में क्या दिखाई देता है, ताकि मैं जब बताऊँ तो आप उसको मैच कर सकें। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना है, या तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा और या फिर नहीं दिखाई देगा। उसको ढूंढने की कोशिश करें। एग्जाम में अगर आप इसको नाम नहीं भी दे पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आएगी इसको आइडेंटिफाई करने में या इसका नाम बताने में कि क्या जानवर बना है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। आप सिर्फ उसके बॉर्डर को आप पेन से या उंगली से एग्जामिनर को दिखा दीजिए। अगर आपने सही दिखाया तो वो आपको फेल नहीं करेगा, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या बना हुआ है। इसमें एक हॉर्स बना हुआ है, घोड़ा, जो कि दौड़ रहा है। एक स्टैटिक खड़ा घोड़ा यहाँ पे नहीं बना, एक दौड़ता हुआ घोड़ा बना है। तो ये इसका फेस का हिस्सा है, मुंह। अब आगे आते हैं, ये एक कान दिख रहा है और एक ही दूसरा कान, ठीक है, और ये इसके पीठ वाला हिस्सा है, और ये पीछे इसकी पूंछ, ऐसे लहराती हुई पूंछ। ये इसका पैर, एक पैर ये यहाँ आता है, ये दूसरा पैर है, ये बॉडी का हिस्सा। एक पैर पीछे है और एक पैर आगे है, और ये इसके बॉडी का हिस्सा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये घोड़ा खड़ा नहीं है। अगर खड़ा होता तो दोनों पैर, ये दोनों पैर ऐसे होते, लेकिन और ये पूंछ भी ऐसे नीचे गिरी हुई होती, कान भी ऐसे सीधे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ने की वजह से इसका कान हवा से पीछे हो गया है, इसका पूंछ हवा में लहरा रहा है, इसके दो पैर पीछे की तरफ है, और एक ये पीछे होते हुए ये आगे का पैर आगे जा रहा है। मतलब ये एक रनिंग पोजीशन में है, इसीलिए ये घोड़ा ऐसा दिख रहा है। इसलिए काफ़ी लोगों को इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको दिक्कत आती है तो कुछ नहीं, आप सिंपल इसको बॉर्डर करके बता दें कि ऐसे यहाँ पे कुछ है पूंछ जैसा। आप इसको ट्रेस करके उनको बता दें कि भैया मुझे ऐसे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये कोई जानवर है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे आपसे, अगले प्लेट पे चलेंगे और फिर देखेंगे उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। कल तक के लिए धन्यवाद।